हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास 12th एनसीईआरटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड हमने चैप्टर कर लिया था और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन वन बाय वन हमने सारे के सारे अपलोड कर देने हैं। पहले एनसीईआरटी इनटेक्स क्वेश्चंस की बात करनी है, फिर हमने बैक एक्सरसाइज की बात करनी है। और एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ये 2 से 3 वीडियो में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा आपका, जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, और सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। तो एक सजेशन ये भी है कि क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए और फिर वेरीफाई कर लीजिए। वन बाय वन मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आप क्या करिए, उसको ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता तो वीडियो को चलने दीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर नोट करते रहिए और खुद के नोट्स बना लेना। जैसे हेलोलकेन के खुद के एनसीईआरटी हमने बनाए थे, अल्कोहल फिनोल्स ईथर के बनाए थे, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड क्या है, सबसे पहले तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और उसमें भी अल्फा पोजीशन क्या होती है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली पोजीशन होती है अल्फा। अब इधर मिथॉक्सी लगा, सर व्हाट इज मिथॉक्सी, OCH3, मिथ प्लस ऑक्सीजन, मतलब ईथर भी लगा है और एल्डिहाइड भी लगा है। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहले का स्ट्रक्चर हो गया। आई एम मूविंग टू सेकंड स्ट्रक्चर। हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। और सेकंड क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल मतलब ब्यूट मतलब हमको 4 कार्बन बनाने हैं, ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, AL का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है। और थर्ड नंबर पर हाइड्रोक्सी है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, थर्ड पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। अब हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब थर्ड पार्ट पर, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। पहले तो साइक्लोपेंटेन बना लो, साइक्लोपेंटेन बनाना है तो बॉस ये रहा साइक्लोपेंटेन, और उस पर भी 2 हाइड्रोक्सी, ये देखो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड का मतलब होता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप भी यहां लगेगा, तो वो भी जस्ट इसके साथ लगेगा क्योंकि इसको 2 पोजीशन देनी है, यहां मत लगा देना, यहां मत लगा देना, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, बात सेम ही बनेगी। थर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब डी पार्ट हमारे पास आ रहा है, 4 ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन और पेंटेनल एल्डिहाइड ग्रुप। फोर्थ पर ऑक्सो, ऑक्सो कौन सा हो गया, ऑक्सो और कीटो दोनों एक ही होते हैं, और फोर्थ पोजिशन पर दिस इज 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजिशन पर ये लग गया। अब हाइड्रोजन अब पूरे कर दीजिए, यहां 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां 1, यहां 3। ओके, मूविंग टू दिस ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, डाइसकेंड्री ब्यूटाइल कीटोन। अब ये कॉमन नेम्स दे रखे हैं बट हमको सीखने तो पड़ेंगे। डाइसकेंड्री ब्यूटाइल कीटोन क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो कीटोन बना लो, ये देखो ऐसे। अब इसके साथ स्केंड्री ब्यूटाइल लगाने, वो भी 2। स्केंड्री ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, जो 2 डिग्री हो। 2 डिग्री कब बनेंगे, जब यहां एक ब्रांच चला जाएगा। अब देखो ये वाला कार्बन 2 डिग्री है या नहीं है, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अब हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारे पास बनना चाहिए। ओके, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, और इधर भी हमारे पास क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, डाइसकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हैं खुद से, नो इश्यू। नेक्स्ट इज फ्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ COCH3 एसिटोफिनोन, बट इसने कहा 4 फ्लोरो, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 4 फ्लोरो, मतलब यहां पर क्या आ रहा है, 4 पर फ्लोरो ग्रुप आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा है, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी नीड टू राइट मेजर प्रोडक्ट। हमको ये कंप्लीट करना है और जो मेजर प्रोडक्ट है उसको लिखना है, वन बाय वन बात करते हैं जल्दी से। चलिए सर, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं COC2H5Cl, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं हमारी, तो हमको पता है एसिड क्लोराइड है, यहाँ एक एच लगा होता है, सब कार्बन के पास एक एक एच होता है, तो यहां से एक एच और यहां से एक सीएल बाहर जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप लग जाएगा साथ में जाके, क्या बनेगा हमारे पास, COC2H5। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से मेजर प्रोडक्ट हमको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमको बताया ये हमारे पास बेंजाइल है, C6H5 इज बेंजीन, CH2 लग गया बेंजाइल, और कैडमियम के साथ है CH3COCl, यहां से 2 कैडमियम और ये 2 Cl क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो पिक्चर क्या बनेगी हमारे पास,
पिक्चर क्या बनेगी, हमारे पास दो मोल्स बन जाएंगे, टू मोल्स ऑफ CH2। CH2 के साथ क्या लग जाएगा आगे, COCH3, इस तरह से, और CDCl2 बाहर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है, थर्ड हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास है HG2 पॉजिटिव H2SO4, मतलब इसका क्या है हमारे पास कि हमको वाटर की एडिशन करनी है, वो भी मार्कोनिकोफ रूल से करनी है, हमको मर्क्यूरेशन करनी है हमको। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं। ये देखिए HG पॉजिटिव और H2SO4 जरूर डालिए, H किधर देना है, इधर, OH इधर आ जाएगा। CH3 कार्बन को दीजिए OH, डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। अब हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। सो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, माइग्रेशन ऑफ H एंड डबल बॉन्ड, H इधर चला जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हमारे पास टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं, CH3CO CH3, इस तरह से। यहां एरो के ऊपर टॉटोमेरिज्म लिखना मत भूलना, दिस इज टॉटोमेरिज्म। और लास्ट हमारे पास ये देखिए, यहां पर CrO2Cl2 दे रखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस रिएक्शन से का हम नाम देते हैं इटार्ड रिएक्शन, इसका नाम क्या देते हैं, इटार्ड रिएक्शन। जितने भी कार्बन ऊपर होंगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है, याद रखेंगे जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। यहां पर NO2 है और ये CHO, और अगर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो जितने भी कार्बन हो हमारे पास तो वो लास्ट में ब्रेक होके ऊपर एक ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे। सर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज क्रोमाइल, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस इज नोन एज इटार्ड लेट्स रिएक्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड में हमारे पास क्या देखा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमको ये बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए एक तो सिंपल अल्केन दे रखा है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये ईथर आ गया है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट फिर इससे ज्यादा हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड आ रहा है, फिर अल्कोहल आ रहा है, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा होता है, हमको पता है सर क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे कम हमारे पास प्रोपेन हो गया, फिर हमारे पास हो गया डाई मिथाइल ईथर, आफ्टर दैट हमारे पास हो गया इथेनल एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा हमारे पास किसका होता है, एल्कोहल्स का होता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देख लेते हैं, दिस इज ऑफ टू पार्ट्स, क्या हमारे पास कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो बताना है। अब हमें पता है जनरल रूल हमने कौन सा पढ़ा था, ये होते हैं हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड, और ये होता है हमारे पास कीटोन, यही पढ़े हमने। तो हमको पता है न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाना है, रिएक्शन देनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफाइल को अंदर तो जाना है, तो स्पेस सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है, फॉर्मेल्डिहाइड में। यहां तो बहुत सारी स्टीरिक हिंड्रंस है, यहां भी CH3 ग्रुप, यहां भी CH3 बल्की ग्रुप लगे हैं, ये सब कुछ हमने लाइव क्लास के दौरान और हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोडिंग में पढ़ रखा है। तो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन। तो अब देख लो, ये दो कीटोन दे रखे हैं, ब्यूटेनल, ब्यूटेनन एंड प्रोपेनन, और इन दोनों में से भी ब्यूटेनन की सबसे कम होगी रिएक्टिविटी। दिस टाइम दे आर आस्किंग अबाउट रिएक्टिविटी, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं। तो ब्यूटेनन सबसे कम हो गया, आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनन, उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनल मींस एल्डिहाइड ऑफ 3 कार्बन एंड देन एल्डिहाइड ऑफ 2 कार्बन इथेनल। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमको पता होना चाहिए सबसे पहले, जो हमने क्लासेस लगा रखी हैं ऑलरेडी यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा होते हैं, और एल्डिहाइड में भी जो कम कार्बन वाला होगा, अगर कोई दो एल्डिहाइड है तो कैसे देखेंगे, जो कम कार्बन वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट बी पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, बेंजल्डिहाइड है, पैराटोलुएल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या हो गया हमारे पास, कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये देखिए पैराटोलुएल्डिहाइड, पैराटोलु मतलब पैरा पोजिशन पर, टोलुइन ये रखा, टोलुइन एल्डिहाइड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया यहां पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इससे इन दोनों की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या है हमारे पास, एसीटोफिनोन,
एसीटोफिनन क्या होता है हमारे पास के बेंजीन रिंग तो है साथ में COCH3, ये होता है एसीटोफिनन। अब ये तो कीटोन आ गया, अब कीटोन और एल्डिहाइड में से, कीटोन और ये वाले एल्डिहाइड में से किसकी ज्यादा होती है? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड की। एंड द लास्ट वन इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप, ये रिएक्टिविटी क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर, इस तरह से है। सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? ये वाला थर्ड नंबर, क्योंकि ये कीटोन है। सबसे कम कौन सा हो गया? थर्ड वाला, यहां लिख देता हूं, ये देखिए। उसके बाद हमारे पास जो एल्डिहाइड में आ रहा है वो कौन सा आएगा? ये वाला सेकंड नंबर। व्हाई? क्योंकि बेंजल्डिहाइड से कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये CH3 इसकी रिएक्टिविटी कम कर रहा है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, मतलब नंबर वन, इसकी इन दोनों से ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? नंबर फोर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये चीजें आप लिखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है सेकंड में, और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी कम है, इसकी कम है। और इन दोनों में सेकंड एंड थर्ड में मैं बताऊं तो सेकंड की क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये कीटोन है और ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है। इस तरह से हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फाइव में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। फिर से हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। इसमें हमें आपको बता दूं कि हमारी जो रिएक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन की वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह सकते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मतलब के पूरे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने करना है NH2OH, या कहीं NH2 आ रहा है, यहां से H2, यहां से O बाहर जाएगा और यहां पर बनेगा RCH डबल बॉन्ड NHOH। मतलब NH के साथ यहां जो भी लगा है वो एज इट इज आ जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और मोस्टली एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में ही होती है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, देखो ये साइक्लोपेंटेनन दे रखा है, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? NH2OH। अब ये वाला O और ये वाला H2, ये वाला O और ये वाला H2, NH2 वाला जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं यहां पर सीधा आंसर लिखूंगा, दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या बनेगा? कार्बन के साथ सीधा N लगेगा और साथ में लग जाएगा OH। इसको बोलते हैं ऑक्सिम। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सिम। अगर आपको प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट आया तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा स्ट्रक्चर बनाइए जो बन रहा है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते क्या दे रखा है। देखिए यही सब चीजें दे रखी है कि साइक्लोहेक्सेनन दे रखा है। अब यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजिन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजिन, हाइड्राजिन का सब्स्टिट्यूशन है। लाइव क्लास में पढ़ रखा है हमने, यहां से H2 यहां से हो जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन सीधा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में आएगा और साथ में लगेगा NH और साथ में ये बेंजीन रिंग और साथ में NO2 एज इट इज, NO2 NO2, इस तरह से। क्लियर हो रहा है? तो हमको वाटर एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ रहा है RCH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2। करना क्या है? ये वाला हमारे पास ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन निकाल के सारा इकट्ठा करके लिख दीजिए। ये वाला यहां से ऑक्सीजन, ये वाला H2 निकालना है, यहां से इकट्ठा करके लिख दो। एंड सेम इन द केस ऑफ डी, डी का मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, सी खुद से ट्राई करिए जरा। और डी में हमारे पास क्या है? ये देखिए, ये बेंजीन रिंग आ गई और ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 जो लगा है, ये वाला मैंने ऊपर लगा दिया। ये ऑक्सीजन तो गया, किसके साथ? ये हाइड्रोजन 2 के साथ, मतलब इस ऑक्सीजन की जगह ये H2O बाहर इस कार्बन पर क्या जाएगा? सीधा डबल बॉन्डेड N, और N के साथ क्या लगा? इथाइल ग्रुप C2CH2CH3, इस तरह से। तो C पार्ट खुद से ट्राई करिए, D मैंने लिख दिया है। और इसी तरह से हमने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर देनी है। एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड की अगर NCERT कहीं से मिल जाए और वो समझ में लग जाए, इसका मतलब है आपका फाइनल बोर्ड के लिए ये चैप्टर रेडी हो चुका है। तो आगे बात करते हैं, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको IUPAC नेम लिखने हैं, तो IUPAC नेम आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट का मैं बता दूं, फिनाइल ग्रुप लगा है हमारे पास, IUPAC नेम आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी एक दो करवा देता हूं। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता तो हूं ताकि आप क्वेश्चन नोट करिए और आंसर खुद से बनाइए। अगर नोट्स बनाने बैठे हैं तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे नॉमनक्लेचर हो चाहे फिर हमारी रिएक्शन हो। ओके, सो फिनाइल ग्रुप है, इसका नाम कैसे करेंगे? 1 2 3 3 पर फिनाइल, IUPAC नेम लिखा है तो क्या बोलेंगे? 3
फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से नाम लिख दीजिए। सेकंड वाले का नाम CH3 ट्वाइस लिखा है तो मतलब एक ही कार्बन पर दोनों है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, 1 2 3, तो तीन पर मिथाइल लगा है हमारे पास, क्या लिखेंगे, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल हाउ मेनी, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट टू इन वन ऑयक एसिड, ब्यूट टू इन वन ऑयक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थर्ड कंपाउंड, दिस इज टू मिथाइल, दिस इज टू मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये क्या बनेगा हमारे पास, टू मिथाइल, लिख लीजिए इसका नाम, टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, टू मिथाइल साइक्लो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से, इस कार्बन को अलग से हम बता रहे हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये हमारे पास नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स, 2.4.6 ट्राई नाइट्रो, 2.4.6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2.4.6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इस तरह से हमने इनके नॉमेनक्लेचर लिख दिए हैं। बाकी ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते थे, और हमको एल्डिहाइड कीटोन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट इन बेंजोइक एसिड, सबसे पहले इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन करने का सबसे बेस्ट मेथड, पहले तो रिएक्टेंट बनाइए। इथाइल बेंजीन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, इथाइल बेंजीन इज CH2CH3, बेंजीन के ऊपर दो कार्बन, और कन्वर्ट किसमें करना है, बेंजोइक एसिड। व्हाट इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन हैविंग COOH, इस तरह से। अब देखो ऊपर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, और अगर तो एल्डिहाइड में चेंज करना आते तो हम क्रोमाइल क्रोमाइड डाल देते, क्रोमाइल क्लोराइड जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट हम इधर इसमें सीधा KMnO4 डालेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वी विल ऐड KMnO4, वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस साथ में डाल देना, वो क्या करेगा, यहां से सीधा एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये हो गया। सेकंड जो हमारे पास है, देखो सबको बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, सेकंड क्या है, एसीटोफिनन। अब एसीटोफिनन क्या होता है, ये देखिए एसीटोफिनन सर क्या होता है, इट इज अ कीटोन। अब कीटोन की ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, कीटोन की ऑक्सीडेशन कैसे करनी है हमको, क्या करना है इसमें, सीधा सीधा इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टूटेगा और एसिड बनाएगा, इधर एक कार्बन का बन जाएगा, इधर हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो अगेन वी कैन से वी नीड KMnO4। थर्ड इज फ्रॉम ब्रोमो बेंजीन, थर्ड इज फ्रॉम ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। चलिए सर, ब्रोमो बेंजीन क्या होता है, ये रहा ब्रोमो बेंजीन। अब ब्रोमीन हटाना है और कार्बन लगाना है, पहले तो इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसको बना दीजिए, ब्रोमो बेंजीन को क्या बना दो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब कार्बन इंसर्ट होते हैं, कार्बन इंसर्ट होते हैं मतलब CO2 से रिएक्शन करवा दो, किसे रिएक्शन करवाएंगे, CO2 से, क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड OOMgBr, इस तरह से CO2 इंसर्ट कर जाता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस इस O को H मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, Mg को क्या मिलेगा, OH, तो Mg OH Br मैं यहाँ एज अ बाय प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। हमने तीन कन्वर्जन कर ली है, अब फोर्थ एंड लास्ट कन्वर्जन क्या है हमारे पास, फिनाइल इथीन को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, फिनाइल इथीन क्या होता है हमारे पास, स्टाइरीन, फिनाइल इथीन, देखो ये फिनाइल ग्रुप हो गया और ऊपर इथीन लग गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इथीन और ये फिनाइल ग्रुप लग गया, इसको स्टाइरीन भी बोलते हैं, ध्यान रखिए इसका नाम स्टाइरीन भी होता है। अब डबल बॉन्ड की एल्कीन की ऑक्सीडेशन करनी है, किसी की भी ऑक्सीडेशन करनी है तो KMnO4, यहां से दो, यहां से ब्रेक हो जाएगा, इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड भी बनेगा, HCOOH, एक कार्बन का एसिड, अगर यहां दो कार्बन होते तो दो कार्बन का एसिड बनना था, जहां डबल बॉन्ड हो ऑक्सीडेशन करनी है ब्रेक कर दो, इधर वाले का एक एसिड बना दो और इधर काले वाले का भी एक एसिड बनेगा, मतलब कि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन था तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है, कन्वर्जन्स भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एल्डिहाइड कीटोन का, तो नॉमन क्लेचर भी देखिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा,
प्रॉपर नोट्स बनाइए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, मींस किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो इन द फर्स्ट केस वी आर हैविंग CH3COOH एंड CH2 के साथ यहां F लगा है COOH। अब हमको पता है जहां से H इजिली बाहर निकलेगा द टेंडेंसी ऑफ H पॉजिटिव जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब फ्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब खींचेगा अपनी तरफ। अगर खींचेगा तो ये ऑक्सीजन का चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो एच आराम से बाहर जाएगा। एच क्या करेगा, ये आराम से बाहर जाएगा। जबकि इधर देखे तो CH3 लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बात फिर वही आ रही है ग्रुप्स के ऊपर, तो रिएक्टिविटी कभी भी आएगी तो ग्रुप्स के ऊपर आएगी, तो ये वाला आपको ग्रुप्स पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट CH2F है और साथ में COOH दे रखा है, इस बार ये दे रखा है और CH2Cl COOH। O2 का मतलब होता है डबल O। ओके, अब देखो दोनों के दोनों सेम ग्रुप है, सिर्फ फ्लोरो क्लोरो का फर्क है। अब फ्लोरीन अच्छे से खींचेगा या क्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सर फ्लोरीन की। दोनों में माइनस आई लग रहा है, दोनों में डिस्टेंस सेम है बट फ्लोरीन अच्छा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसमें से एच आराम से बाहर निकलेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम होगा इन दोनों में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एच आराम से बाहर जाएगा। तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं, Ka वैल्यू। ठीक है, पढ़ रखा है हमने। सो थर्ड हमारे पास केस क्या है, CH2F ये फ्लोरो दे रखा है, फिर CH2COOH एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग CH3CHF CH2COOH। अब देखो यहां फ्लोरीन बहुत दूर है, यहां फ्लोरीन एकदम पास में है, मतलब ये नेगेटिव जल्दी खींचेगा। वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आगे जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। सो यहां पर हमारे पास जल्दी से निकलेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फ्लोरीन पास में लगा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अट्रैक्शन इन दोनों में कम होगी, एच आराम से निकल जाएगा। सो द लास्ट केस इन द डी पार्ट क्या दे रखा है उन्होंने, देखिए CF3 मतलब कि हमारे पास ट्राई फ्लोरो दे रखा है, मतलब कि यहां पर लगे है बहुत से फ्लोरीन और यहां COOH इस तरह से, ऑफ कोर्स ये खींच रहा है अब इधर। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या लगा है, टोलुइन ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये देगा तो ऑफ कोर्स इसमें से एच आराम से बाहर जाएगा क्योंकि फ्लोरीन लगा है। जहां कहीं भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है वहां पर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया वहां हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के वक्त डिक्रीज। तो हमने एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लिए हैं, अब हमने बैक एक्सरसाइज की बात करनी है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बैक एक्सरसाइज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड।